नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूँ आपको अपने इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, पिछले 24 घंटे में जितने भी मैंने आपसे करेंट अफेयर्स पूछे हैं उसका आंसर मैं बता रहा हूँ, तो ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन मैंने पूछा था, फर्स्ट एशियन एंड यंगेस्ट टू स्विम अक्रॉस कुक स्ट्रेट, जो कुक चैनल है उसको पार करने वाला प्रथम एशियन जो कि बहुत ही यंगेस्ट है यानी कि नौजवान है, तो वो कौन था? रोहन मोरे। ठीक है, तो इसका आंसर होगा रोहन मोरी, ये वाला आंसर होगा। बहुत सारे लोगों ने गलत आंसर दिया था, भूला चौधरी को बहुत सारे लोगों ने आंसर किया था। और एक कुक स्टेट कहाँ है? ये न्यूजीलैंड में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, बेदिया कलाम फेस्टिवल कहाँ पे सेलिब्रेट किया गया है रिसेंटली, तो इसका आंसर होगा मेघालय। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गट्टू लिफ्ट इरीगेशन योजना किसने शुरू किया है, तो इसका आंसर होगा तेलंगाना। 73% लोगों ने सही आंसर दिया था। अगला क्वेश्चन मैंने पूछा था, हु इज अपॉइंटेड एज चीफ इकोनॉमिस्ट इन IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में जो चीफ इकोनॉमिस्ट नियुक्त किए गए हैं वो कौन है? गीता गोपीनाथ। तो बहुत सारे लोगों ने, तकरीबन सभी लोगों ने सही आंसर दिया है, 13% 13 लोगों ने वोट किया जो सही आंसर दिए हैं। आपको मैंने कुछ जो क्यूज हैं उसको भी आपको दिया था हिंदी में, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, आप अगर पढ़े होंगे तो हो सकता है आपको जानकारी हुई होगी। ये सभी चीज़ें मैं डालता रहता हूँ, तो आप कम्युनिटी में चेक किया करते रहेंगे हमेशा बीच बीच में कि क्या मैंने डाला है। अभी भी, अभी तुरंत 2 मिनट पहले भी एक चीज़ डाला है, वो आप देख लेंगे क्या चीज़ मैंने डाला है। तो आगे देखते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं, इंडियाज़ फर्स्ट फ्लोटिंग मार्केट ऑन विच लेक, इंडिया का प्रथम तैरता हुआ मार्केट कौन से लेक पे है? तो ये है पटोली लेक, जो कि कोलकाता में है। आप अगर पटोली लेक से सर्च करेंगे यूट्यूब पे तो आपको दिखाई देगा कि वहाँ पे बहुत सारे नाव पे सब्जी वगैरह बेच रहे होंगे, तो बहुत सारे लोगों ने इसका आंसर सही भी किया है। तो पटोली लेक, ये जो लास्ट का कोलकाता वाला होगा वो होगा। यंगेस्ट वेट लिफ्टर हु बैग मेडल इन कॉमनवेल्थ गेम, यानी कि कॉमनवेल्थ में अभी तक जो वेट लिफ्टिंग करते हैं जो सबसे यंगेस्ट प्लेयर कौन है जो कि मेडल जीता है, तो इसका आंसर होगा दीपक लाथर। ठीक है, फर्स्ट ये दीपक लाथर। बजरंग पूनिया यंगेस्ट नहीं है, ये काफ़ी उम्र के हैं, तो दीपक लाथर होगा जो कि यंगेस्ट हैं। अगला क्वेश्चन मैंने पूछा था, हु इज अपॉइंटेड एज डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, यहाँ पे बात है डिप्टी यानी कि उप, और हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र कौन है? अजीत डोभाल है, लेकिन अगर डिप्टी पूछे तो पंकज सरन, जो कि सही आंसर है, बहुत सारे लोगों ने सही आंसर दिया है। अगला क्वेश्चन मैं पूछा था, मिशन भागीरथ वाटर सेविंग स्कीम लॉन्च्ड बाई, तो इसको किसने लॉन्च किया है? इसको तेलंगाना ने किया है। बहुत सारे लोगों ने यूपी आंसर दिया है, जो कि मुझे लग रहा है कि तुक्का मारे होंगे भागीरथी नाम से सुन के, क्योंकि भागीरथी नदी वहाँ पर बहती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो जो स्कीम है वहाँ पे है। इसका आंसर होगा तेलंगाना। अगला क्वेश्चन मैं पूछा था, मुख्यमंत्री कलाकार योजना किसने शुरू की है यानी कि आर्टिस्टों के लिए, तो ये उड़ीसा ने शुरू किया है। ठीक है, हु बिकेम फर्स्ट वुमन नेवल पायलट, यानी कि जो समुद्री जहाज़ है उसके पायलट प्रथम वुमेन कौन है? तो इनका नाम होगा शुवांगी स्वरूप। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हु बिकम इंडियाज फर्स्ट वुमन फाइटर प्लेन पायलट, यानी कि कौन सी लड़की है जो फाइटर प्लेन को पहली बार उड़ाई है? तो लड़की की बात की जा रही है तो अवनी चतुर्वेदी, इसका आंसर होगा अवनी चतुर्वेदी। अगला क्वेश्चन है, नुआखाई फेस्टिवल हाल ही में कहाँ पे मनाया गया, तो इसका आंसर होगा उड़ीसा। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने सही आंसर दिया है, जो कि अभी 36 मिनट पहले मैंने आप लोग से पूछा है, तो आशा करते हैं इसमें से बहुत सारे आंसर आप लोग सही दिए होंगे। तो फिर 24 घंटे के बाद मुलाकात करते हैं, धन्यवाद।